हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कोफ्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है शाम सवेरा कोफ्ता। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, वो भी वाइट ग्रेवी के साथ। और ये देखिए हमारे कोफ्ते भी कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ते, और कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पालक। पालक को अच्छे से साफ किया है, फिर 3 से 4 बार इसको अच्छे से धो लिया है। अब एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी और 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब इस पानी को हमें अच्छे से तेज गर्म होने देना है। जैसे ही पानी तेज गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे पालक। आप किसी भगोने में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपका पालक अच्छे से आ जाए। इस तरह का आप बर्तन ले लीजिए। यहाँ पर मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि पालक थोड़ा सा नीचे बैठ जाए, और पालक जैसे ही पानी में पक के सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसको पानी से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होते ही हम पालक को छलनी में ऐसे निकाल लेंगे। नीचे मैंने बाउल लगाया है ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे निकल जाए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब भी हम इसको हाथों से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं एक चॉपर ले रही हूँ। चॉपर में हम डाल देंगे 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, और 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब डाल दिया है मैंने थोड़ा सा अदरक। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर मैं इसको दरदरा पीस रही हूँ। आप चाहे तो इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है। अब जो पालक हमारा है वो ठंडा हो गया है। अब मिक्सी के जार में हम इसको डाल देंगे। पीसने से पहले आप इसका एक्स्ट्रा पानी ज़रूर निकाल दीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। अब एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस के रखा था उसमें से थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है। इसको हल्का सा भून लेंगे। जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये मिक्सचर बनाया है, इसको हम बाद में भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर उसमें से मैंने 1 चम्मच ही अभी ऐड किया है। अब जो पिसा हुआ पालक था हमने, वो इसमें ऐड कर दिया है। सारा का सारा मैं इसमें डाल दूंगी पालक पिसा हुआ, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। सूजी से जो है मॉइस्चर हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी मॉइस्चर को। और 2 चम्मच मैंने डाले हैं बेसन के। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और जो सूजी है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, तो इससे हमारा जो पालक का मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो अब इसको हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे अच्छे से। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, हमारा जो पालक का ये डो है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस से मैंने इसको उतार दिया है, अब ठंडा कर लेंगे। और अब हम अंदर की स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ये पनीर। पनीर को ग्रेट कर लेंगे, चाहे तो आप हाथों से इसको बारीक बारीक मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर ये पनीर रेडी हो गया है। अब इसमें जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो 1/2 चम्मच डाल देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि बाहर ग्रेवी में भी नमक होगा, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली आप नमक इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर अब मैं पनीर की छोटी सी बॉल बना लूँगी। अब मैं आपको कोफ्ता बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये पनीर की छोटी सी बॉल बनाई है मैंने, और ये जो हमारा पालक का मिक्सचर है ठंडा हो गया है। अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि जो पालक का ये मिक्सचर है मेरे हाथों पे चिपके नहीं। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी बॉल बना ली है, उसको फ्लैट करके पनीर का मिक्सचर मैंने बीच में रख दिया है। अब इसको हम ऊपर से पूरा कवर कर देंगे, और इसको हम रोल कर लेंगे फिर। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कोफ्ता रेडी हो गया है। तो चाहे तो आप पानी लगा के इसको कर लीजिए, या फिर आप कॉर्नफ्लावर जो हम ऊपर से कोटिंग करेंगे उसे भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो मैं उस तरीके से भी आपको
दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, हाथों पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगाया है और ऐसे ही पालक का जो मिक्सचर है वो ले लिया है फ्लैट करके पनीर की। ये हम छोटी सी बॉल इसमें अंदर ऐड कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से। अगर आपको लगे कि आपका डो काफ़ी पतला है तो आप इसमें चाहे तो कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें ब्रेड के क्रम्स भी ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैं इसको रोल कर लूँगी। अब मैं इसको कॉर्नफ्लावर में ऐसे कोट कर लूँगी ताकि हमारा जो कोफ्ता है वो तेल में जब हम फ्राई करें तो फटे नहीं। तो यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ी सी कोटिंग कर दूँगी कॉर्नफ्लावर की। तो ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं बिल्कुल फ्राई करने के लिए। तो अब यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया है, तो यहाँ पर पहले एक कोफ्ते को हम फ्राई करके देख लेंगे कि वो टूटेगा तो नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए एक कोफ्ते को मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पलटते हुए फ्राई कर लूँगी हल्का सा कलर आने तक। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए ये कोफ्ता हमारा रेडी हो गया है और ये बिल्कुल भी फटा नहीं। तो ये हमारा कोफ्ता एकदम से रेडी है। अब मैं और कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी और ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हल्का हल्का सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है, अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी भी है। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच तेल का और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जीरा पाउडर, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची और कुछ काजू। तो अब इनको हम बारी बारी करके तेल में ऐड करेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, अब मैंने ऐड कर दिया तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और काली मिर्च और जीरा। जो हमारे काजू है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फिर जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च हमने पीस के रखी थी वो यहाँ पर पूरी की पूरी ऐड कर देंगे जितनी भी बची है। तो इसको अब थोड़ा सा चला लेंगे। फिर इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। यहाँ पर मैंने 4 बड़े प्याज कट करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही हमें इसे पकाना है। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब तक ही हम इसको पकाएंगे। तो अब ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज। अब इसमें हम जो काजू हमने रखे थे वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चला लेंगे। अब यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आधा ग्लास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी ग्रेवी का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा पका के हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें से जो तेज पत्ता है और दालचीनी वो निकाल दूंगी, क्योंकि जब हम ग्रेवी को पीसेंगे तो इसका रेशा रह जाता है और वो मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता ग्रेवी में, तो इसलिए हम इसको पहले ही निकाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। जो हमारे प्याज का जो ये मिक्सचर है इसको हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये पीस लिया है, जो ये हमारी वाइट ग्रेवी का पेस्ट एकदम से रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और जो हमने ग्रेवी ये पीस के रखी है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे अच्छे से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए अच्छे से इसको चला लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच पाउडर शुगर, हल्का सा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है इस ग्रेवी में। अगर आपको मीठी ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी थिक है अभी भी ग्रेवी, तो इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे। और ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ग्रेवी को। उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। यहाँ पर ये मैंने क्रीम डाल दी है लगभग आधा कप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी है उसका कलर भी वाइट हो गया है और इससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ग्रेवी को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी क्रीम डालने के बाद भी, तो अब इसको मैं यहाँ पर कवर कर लूँगी। लिड लगाकर हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। और ये हमारी ग्रेवी एकदम से रेडी हो गई है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे, तो कोफ्ते को मैं बीच से कट कर लूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हमारे ये कोफ्ते बने हैं और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कोफ्तों को ऐसे ही कट कर लूँगी ग्रेवी में डालने से पहले। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें हम डाल देंगे ये अपनी वाइट ग्रेवी, और उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये कोफ्ते इस तरह से कटे हुए। तो है ना ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।